नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रोड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़ोन के स्टोरेज के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। जो आजकल जो 90% जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है, वो जो ज़्यादातर यूजर हैं, वो हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है, सामना करता है कि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया। कैसे फुल हो गया पता नहीं, बस वो बंदा बस आपसे यही बोलेगा कि यार फ़ोन फुल हो गया, फ़ोन का जो इंटरनल है वो फुल हो गया, इसे कैसे ठीक करें। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप भी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे जो आपके जो फ़ोन का स्टोरेज है उसे आप कैसे खाली कर सकते हो, कैसे सब कुछ पता कर सकते हो, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और उसके बाद आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा ब्लॉग चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर देना यार। चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते रहिए ट्रिक को। तो दोस्तों, अगर जो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे भी आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल से। इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम ठीक हो सके। नीचे आपको कमेंट भी कर देनी है, स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। चलो यार, अब ट्रिक की ओर चलते हैं, कैसे हम अपने फ़ोन का जो स्टोरेज है उसे कैसे ख़त्म कर पाएंगे, मतलब फालतू फाइल को कैसे रिमूव कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे कि फ़ोन का स्टोरेज फुल है। तो यार देखो, सबसे पहले आपके फ़ोन में ये सेटिंग होता है, हर फ़ोन में होता है। मैं यहाँ पे 2-3 फ़ोन का एग्जांपल मैं लेके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको, जैसे ये सैमसंग का फ़ोन है तो यहाँ पर डिवाइस केयर लिखा हुआ है, तो डिवाइस केयर पर जाइए। MI का फ़ोन रहेगा तो वहाँ पर स्टोरेज लिखा हुआ रहेगा, तो मैंने डिवाइस केयर में गया। डिवाइस केयर में जाने के बाद ये देखिए स्टोरेज लिखा हुआ है, तो आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। मेमोरी रैम वगैरह सब कुछ आपको लिखा हुआ रहता है, तो हम यहाँ पे स्टोरेज को ओपन करेंगे। और जैसे मेमोरी भी है तो मेमोरी को सबसे पहले क्लीन कर दें, तो यहाँ पर जो कैश रहता है वो सब जो है डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर, हमने कैश को सबसे पहले डिलीट कर दिया। यहाँ पर 1.5 GB का फाइल जो हमारा खाली हो गया। हमारा फोटो वीडियो डिलीट नहीं हुआ, ये फालतू का जो कैश डेटा है वो सब डिलीट हुआ। और स्टोरेज में आप जाएंगे तो स्टोरेज में भी आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप बता रहा है कि मेमोरी जो है, रैम मेमोरी या इंटरनल भी कहिए, दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेस बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे फ़ोन की, कि अगर दूसरे कंपनी का फ़ोन है तो उसमें कैसे करेंगे। तो देखिए, सेम स्टेप्स जो है यहाँ पर भी आपको फॉलो करने हैं। जैसे अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए, सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे देखिए इस फ़ोन में जो है स्टोरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोरेज पे जाइए। और यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है फोटोज़ एंड वीडियो, ये जो है 3.4 GB का है, और जो फालतू का जो डेटा रहेगा वो सब भी आपको नीचे शो करेगा। तो आप इजीली तरीके से आप जो एक्सेस कर पाओगे, आपको पता चल पाएगा कि कौन से जो है आइटम वो रिमूव करने चाहिए। फालतू का जो स्पेस लेके बैठा है उसे इजीली तरीके से यहाँ से डिलीट करके, रिमूव करके फ्री कर सकते हो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है अच्छे से जान पाए अपने फ़ोन का स्टोरेज, और वो भी जो है क्लीन वगैरह कर पाए उसका, बिना जो अपना फाइल है वो डिलीट हुए। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम संदीप है, अभी के लिए बाय।